कोलकाता रेप और मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अस्पताल में हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। अस्पताल के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की गई है और जल्द से जल्द अर्धसैनिक बल तैनात हो, इसकी मांग शुभेंदु अधिकारी ने की है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है और डॉक्टरों को डराने के लिए टीएमसी ने गुंडे भेजे थे। शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया है और गृह मंत्रालय से अपील की है कि सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि उपद्रवियों ने गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की थी। तो बड़े दावे बीजेपी कर रही है और सेंटर से अपील कर रही है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसे संभालने में मदद कीजिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अस्पताल में हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। अस्पताल के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की गई है और जल्द से जल्द अर्धसैनिक बल तैनात हो, इसकी मांग शुभेंदु अधिकारी ने की है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है और डॉक्टरों को डराने के लिए टीएमसी ने गुंडे भेजे थे। शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया है और गृह मंत्रालय से अपील की है कि सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि उपद्रवियों ने गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की थी। तो बड़े दावे बीजेपी कर रही है और सेंटर से अपील कर रही है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसे संभालने में मदद कीजिए।